अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। फर्स्ट ऑफ ऑल रमज़ान मुबारक। काफ़ी लंबे टाइम से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी तो सोचा आज मैं अपनी वीडियो फाइनली अपलोड कर ही दूँ। अच्छा जी, तो मैं बनाने लगी थी पकौड़े। तो पकौड़ों के बगैर तो अफ्तारी होती ही नहीं है। वैसे किस किस के घर पकौड़े लाजमी बनते हैं, हमारे घर कुछ बने ना बने अफ्तारी में पकौड़े लाजमी बनते हैं। तो गाइज अब हम लोग जी आ गए हैं क्यारियों में। मैं फ्रेश सब्ज़ी भी आपको दिखाती हूँ क्या क्या यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ से मैंने ली है धनिया और फिर अब मैं देख रही हूँ कि अगर मुझे पालक मिल जाए तो अब ये है पालक। इसके साथ ही थोड़ा सा हरा प्याज ले लेंगे और जो है रमज़ान के लिए स्पेशल अलग से मैंने हरा प्याज लगवाया था तो थोड़ी सी वो भी ले लेंगे। शाम को जब मैं यहाँ पे आती हूँ तो मेरा रोज़ा बड़ा फ्रेश हो जाता है। ग्रीनरी देख के ना आँखें बड़ी ठंडी ठंडी हो जाती हैं। तो आप लोग भी आज मेरे साथ यहाँ पे इंजॉय करें और फिर जो है कोशिश किया करें घर में छोटी छोटी सब्ज़ी आप लोग खुद लगाया करें, क्योंकि ये बड़ी फ्रेश होती है और बहुत मज़े की इनकी खुशबू होती है एज़ कम्पेयर जो हम मार्केट से लेके आते हैं। चलें जी अब इसको बंद करते हैं और फिर जी थोड़ा सा हम पुदीना भी चुन लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे गर्मी के मौसम में मैंने सॉक्स क्यों पहनी हुई है, इसके पीछे एक राज है, वो भी जल्दी हम आपको बताएंगे। और अब मैं थोड़ा सा पुदीना चुन लेती हूँ। कि हम चटनी बना लेंगे और बाकी जो बच जाएगा वो सारा मैंने मीट मार्केट में ऐड करना है। तो अब इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे और उसके बाद जो है फिर हम पकौड़ों का बैटर तैयार करते हैं। साथ साथ जो है मैं चावल भी बना रही थी। जब मैं क्यारियों में गई थी तो मैं फिर जो है चावलों के लिए पानी रख के चली गई थी। अब पानी सही बॉयल हो गया है और मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। साथ साथ सारे सारे काम जो है ना वो एक साथ हो जाते हैं। और मैं उठती हूँ 5 बजे, उठ के ना तो 6 बजे तक सारी इफ्तारी रेडी कर लेती हूँ। आलू जो है वो मैं चिप्स की तरह काटती हूँ और इससे बड़े मज़े के ना बड़े क्रंची क्रंची पकोड़े बनते हैं। तो आप लोग भी जो है वेजिटेबल वाले जो पकोड़े ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें आप पुदीना ज़्यादा ऐड करें, इससे पता क्या होता है कि हैवी नहीं होते स्टमक के लिए और जो है पिंपल्स बिल्कुल नहीं निकलते हैं। मिंट मार्गरीटा मैं बनाती हूँ, उसकी भी मैं रेसिपी आपसे इसी व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग वो भी बनाइएगा, उससे एक तो स्टमक हैवी नहीं होता और दूसरा उससे ये है कि पिंपल्स नहीं निकलते और स्किन बड़ी फ्रेश रहती है। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो ऐड कर लीजिएगा। अब जो मैं पालक धनिया और पुदीना वगैरह लेके आई थी वो सारी काट के मैं जो है बैटर बनाया था पकौड़ों को उसमें ऐड करूँगी और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पकौड़ों का बैटर जो है वो तैयार हो गया और इसके साथ साथ ही मैंने चावल भी बॉयल कर लिए हैं। आज हम लोगों ने वाइट चावल विद लोबिया दाल बनाई। अब जी मैं बनाऊंगी मिंट मार्गरीटा और इसके लिए जो है मैं ब्लेंडर में मिंट लीव्स डालूंगी और फिर थोड़ी सी शक्कर ऐड करेंगे, देन काला नमक ऐड करूँगी और उसके बाद थोड़ी सी शुगर भी ऐड करेंगे ताकि इसका टेस्ट थोड़ा बराबर हो जाए। और फिर उसके अलावा जो है आजकल लेमन जो आ रहे हैं उन लेमन में बिल्कुल भी रस नहीं होता, तो मैं क्या करती हूँ पूरे जो 2 लेमन होते हैं ना एज इट इज़ मैं इसमें डाल के अच्छे से फिर इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। तो अब इसमें मैं 1 कप जो है वो वाटर ऐड करूँगी और उसके बाद हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तब मैंने जो है पानी में बेसिल सीड डाल के रखे हुए थे और ये जो हम लोगों ने अभी मिंट का जो बैटर बनाया है वो सारे का सारा उसमें ऐड करेंगे और इसको डाम के अफ्तारी तक रख देंगे और बाकी का पानी भी उसमें ऐड कर देंगे। इसमें मैंने जो है स्प्राइट नहीं ऐड की है क्योंकि वो हाल ही में धोते तो इतनी अच्छी नहीं होती, तो हमें हेल्दी डाइट की ज़रूरत है। उसके लिए जो है बेस्ट यही है कि आप पानी ऐड करें सिर्फ। और कलर जो चेंज हुआ है वो शक्कर की वजह से, मतलब इतना ग्रीन नहीं है। इसके साथ ही अपनी वीडियो को एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेकीबान।